अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं फेफसा दिल और कलेजी मसाला फ्राई। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और क्विक रेसिपी है, रोटी के साथ सर्व करने वाली एक टेस्टी डिश है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है कलेजी, गुर्दे और दिल लिया है। ये वेट में पूरा 500 ग्राम्स है। इसे मैं अच्छे से धोकर इस तरह से कुकर डाल लिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुकर में डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून तेल डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसी में डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, ये ऑप्शनल है, इसका पानी भी छूटेगा। ये अच्छे से तलना है तो आप इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल सकते हैं और 2 विजिल आने तक हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 विजिल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए 2 विजिल आ गए हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसका प्रेशर निकाल कर इसका ढक्कन निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा पानी बचा हुआ है। अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे साबित गरम मसाला, 2 से 3 इलायची, 2 से 3 लौंग और 1/2 टीस्पून शाहजीरा, थोड़ा सा 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 सेकंड के बाद हम इसमें डालेंगे जो कलेजी और फेफसा दिल को गला कर रखा था, उसे हम इसमें डालकर मिला लेंगे और ढक्कन से ढककर इसे इसका पानी सूखने तक हम इसे हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे और इसे बीच बीच में 1 से 2 बार मिला लेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद हम इसे ढक्कन निकाल कर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका पानी सूख गया है और तेल भी सरफेस पे आ गया है। इसी तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कि बारीक कटा हुआ कोथमीर और पुदीने के पत्तों को डालेंगे और 2 से 3 हरे मिर्च बीच से कट लगाकर इस तरह से इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम यहाँ मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस यानी नींबू का रस डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका तेल भी कितना अच्छे से सरफेस पे आ गया है और हमारा मसाला कलेजी फेफसा दिल की रेसिपी अच्छे से बन गई है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिलाकर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसालेदार कलेजी और फेफसा दिल फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और इसे आप रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। एक बार आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो बाकी सब तरीक़ों से बनाना छोड़ देंगे, उतना टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना है कमेंट कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे और भी रेसिपीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।